दोस्तों, चालाकी के मामले में तेंदुए का मुकाबला अन्य कोई बड़ी बिल्ली नहीं कर सकती है। जहाँ पर शेर भी अपने पूरे झुंड के साथ मिलकर शिकार करता है, तो वहीं एक तेंदुआ अकेले ही अपने दम पर शिकार कर लेता है। तेंदुआ भले ही दिखने में छोटी कद घाटी का लगता है, लेकिन इसमें ताकत की कमी कतई नहीं होती है और इसी वजह से ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लेता है। और इतना ही नहीं, ये उन्हें मारकर पेड़ पर भी लेकर चढ़ जाता है। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो तेंदुआ शाकाहारी जानवरों के लिए एक परफेक्ट किलर है। दोस्तों, शिकार करते समय तेंदुआ अपनी ताकत का इस्तेमाल तो करता ही है, लेकिन शिकार तक पहुंचने से पहले ये अपनी बुद्धि का भी परिचय देता है, जिसमें सबसे पहले ये शिकार का चुनाव करता है और दूर से ही उसके ऊपर नजर रखता है और फिर धीरे धीरे करके ये अपने शिकार की ओर बढ़ने लगता है। हालांकि इस दौरान तेंदुआ कई बातों का भी ध्यान रखता है। पहला, किसी चट्टान या घास की आड़ में शिकार की ओर बढ़ना, और दूसरा, दबे पांव शिकार के नजदीक पहुंचना। तेंदुए के ऐसा करने की वजह से शिकार को इनके आने की भनक तक नहीं लग पाती है, और अगर फिर भी शिकार को इनकी जानकारी मिलती भी है तो वो तब मिलती है जब तेंदुआ शिकार के ऊपर हमला करने वाला होता है, और इसी वजह से तेंदुआ ज्यादातर शिकार में कामयाब साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको तेंदुए के शिकार करते समय की कुछ वीडियो दिखाते हैं, जिनको देखकर आप तेंदुए के शिकार करने के तरीके को और भी करीबी से जान पाओगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर, जब कुछ टूरिस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में घूमने गए, तब उन्हें एक बेहद ही हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई पड़ा, जिसके बाद वह उस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लग गए। दरअसल वहाँ पर हुआ ये था कि एक तेंदुआ एक कुत्ते को लेकर पेड़ पर बैठा हुआ था, जो कि शायद उस कुत्ते को शिकार बनाने के मंसूबे से उठाकर पेड़ पर ले गया था। लेकिन दोस्तों, उस कुत्ते के अंदर अभी भी जान थी और इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा हिलडुल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जान बचा के वहाँ से भाग सके, क्योंकि वो कुत्ता अब मरने के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका था। और इसी दौरान आखिर में वो तेंदुआ भी उसे गर्दन की ओर से पकड़ के मार देता है। दोस्तों, अगले इस वीडियो में भी इस कुत्ते के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता बड़े आराम से बैठा हुआ है, और इस दौरान एक कुत्ता भी आने वाले खतरे से अनजान है, क्योंकि कुछ देर बाद ही इसके ऊपर एक तेंदुआ हमला कर देता है। हालांकि यहाँ पर एक कुत्ता अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ इसे गर्दन की ओर से पकड़ लेता है, जिसके बाद ये कुत्ता अपने आप को तेंदुए से बचाने में नाकामयाब साबित होता है, और आखिर में ये भी इस तेंदुए का शिकार बनी जाता है। वैसे दोस्तों, तेंदुए अब तो रिहायशी इलाकों में आकर भी कुत्तों का शिकार करने लग गए हैं, जिसका सबसे बेहतर उदाहरण है ये सीसीटीवी फुटेज, जिसमें घर के दरवाजे के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक तेंदुआ भी मौजूद है, जो कि काफी देर से यहाँ पर इसके ऊपर हमला करने के लिए खड़ा है, और इस तेंदुए को जो ही सही मौका मिलता है तो ये तुरंत ही उस कुत्ते के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। खैर दोस्तों, आपके किसी पालतू जानवर के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया आप भी अपने जानवरों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। वैसे पोर्क्यूपाइन के कांटों से कोई सा भी जानवर घायल हो जाता है, और इनके सामने तेंदुआ भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पोर्क्यूपाइन कई बार तेंदुओं को भी घायल करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि पासा पोर्क्यूपाइन के ही हाथ में हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि इस वीडियो के अंदर देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर होता यह है कि एक तेंदुआ पोर्क्यूपाइन पर हमला कर देता है, जिसके बाद पोर्क्यूपाइन अपने शरीर के कांटे इस तेंदुए के ऊपर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी तेंदुआ पीछे हटने के लिए कतई राजी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लड़ाई काफी समय तक चलती रहती है। लेकिन फिर आखिर में वो तेंदुआ इस पोर्क्यूपाइन का शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। अगले स्टूडियो में इस तेंदुए को एक पक्षी दिखाई दिया है, जिसके बाद ये तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर उसका शिकार करने पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो पक्षी पेड़ के खोखले तने में मौजूद था, और इसी वजह से तेंदुआ उसे खाने में नाकामयाब था।
लेकिन यहाँ पर तेंदुए ने अपना दिमाग लगाते हुए पेड़ के तने को खोद डाला और पक्षी को बाहर निकालकर अपना शिकार बना लिया। दोस्तों अगले इस वीडियो में इस तेंदुए ने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर इस जेब्रा का शिकार किया है और फिर इस जेब्रा का शिकार करने के बाद ही ये तुरंत ही इसे पेड़ के ऊपर लेकर चढ़ भी जाता है और फिर अपने शिकार को एक सही जगह पर ले जाकर खाना शुरू भी कर देता है। खैर हम आपको बता दें कि तेंदुए अक्सर अपने शिकार को पेड़ पर ही छुपाते हैं क्योंकि जमीन की अपेक्षा इनका शिकार पेड़ पर ज्यादा सुरक्षित रहता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि हाइना, शेर या फिर वाइल्ड डॉग जैसे शिकारी इनके शिकार को चुरा लेते हैं और यही कारण है जिसकी वजह से तेंदुए अपने शिकार को पेड़ पर छुपाते हैं। तेंदुआ चालाकी से शिकार किस तरह करता है ये आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, जहां पर ये तेंदुआ सबसे पहले इस खाई की आड़ से होते हुए धीरे धीरे इन हिरण के झुंड की ओर बढ़ता है और फिर अचानक दौड़कर एक हिरण को दबोच लेता है। दोस्तों इस दौरान हिरण को कुछ समझ में आता, उससे पहले यहाँ पर ये तेंदुआ उसके ऊपर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है और फिर उस हिरण को पकड़ के अपने साथ ले भी जाता है। अगले इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तेंदुआ एक बिल के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तेंदुआ वर्तों के बच्चों का शिकार कर रहा है और इस दौरान कुछ वर्तों के बच्चे तेंदुए के डर से बिल से निकलकर भाग भी रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये तेंदुआ एक वर्तों के बच्चे को पकड़ने में कामयाब हो ही जाता है। खैर शिकार करते समय कभी कभार तेंदुओं से गलती भी हो जाती है, जैसा कि इस तेंदुए के साथ हुआ, क्योंकि ये बड़ी चालाकी से इस घास खा रहे वर्तों के पास में चला तो जाता है, लेकिन जब बारी आती है शिकार पर हमला करने की तो ये उस वर्तों के पास में खड़ा होकर पता नहीं क्या सोचने लगता है, जिसकी वजह से वर्तों को तेंदुए की जानकारी मिलते ही वो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वाकई में इस तेंदुए ने तो तेंदुए बिरादरी की नाक ही कटा डाली। अक्सर आपने ये देखा होगा कि तेंदुआ अक्सर शेर को देखते ही भाग जाता है, क्योंकि तेंदुए को भी पता होता है कि शेर उसका मात्र एक ही वार में काम तमाम कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एक तेंदुआ इन शेरों के झुंड के सामने काफी देर तक डटा रहता है। हालांकि इस दौरान ये सभी शेर उस तेंदुए को यहाँ से जाने की चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो तेंदुआ इन शेरों की चेतावनी को लगातार नजरअंदाज करते रहता है और काफी समय तक यहाँ पर ही बैठा रहता है, जिसकी वजह से शेर भी इसका पीछा छोड़कर यहाँ से चल देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।